शहर से लेकर गांव तक आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर उत्साह माहौल बना हुआ है। चारों ओर श्याम सलोनी कृष्ण के भजनों का शोर सुनाई दे रहा है। वहीं कई स्थानों पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए मंदिरों को आकर्षक रूप दिया गया है। इसी तरीके से श्याम श्या मेडिकल कॉलेज रीवा में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे उत्साह के साथ आज मनाया गया। छात्र छात्राओं ने जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया। ऐसा लगा मानो आज पूरा गोकुल यहीं उतर आया हो। कॉलेज की छात्राएं राधा कृष्ण के रूप में आईं और छात्राओं ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी। सबसे बड़ा आकर्षण प्रतिवर्ष की तरह छात्राओं द्वारा मटकी फोड़ प्रतियोगिता रही। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में छात्राओं के अलग अलग ग्रुप ने हिस्सा लिया और ग्रुप्स ने मटकी फोड़ कर अलग ही हर्षोल्लास का माहौल बना दिया। प्रतियोगिता में विजेता ग्रुप को पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं इस आयोजन में सजे धजे पालने में विराजे बाल गोपाल का पूजन व आरती की गई। छात्रों ने ढोलक की थाप पर जमकर डांस किया। इस मौके पर कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक गण भी उपस्थित रहे। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के यूजी बॉयज हॉस्टल में कई वर्षों से ये समारोह आयोजित इसलिए किया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति की जानकारी बनी रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सकों सहित छात्र छात्राओं ने पूरा आनंद लिया। इस दौरान पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आज हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित करा है। हर साल ये कार्यक्रम इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है। डीन सर वगैरह सब आते ही उपस्थित होते इस कार्यक्रम में। बहुत प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी हमारा आयोजक 20 बेस था इस कार्यक्रम का। इस साल कितने दिन से सजावट करते हैं पूरे कार्यक्रम? ये 2 दिन से चल रहा है कार्यक्रम। ऐसा ही माहौल रहता है हर साल। हर्षोल्लास से मनाते कृष्ण लाला का जन्म दिवस। आज हमारे यहाँ पे हमारे कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर मनोज चंदूरकर सर, हमारे हॉस्टल वार्डन डॉक्टर राजेश पाटीदार सर, डॉक्टर अर्जुन परमार सर, डॉक्टर पुष्पेन शुक्ला सर उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इंटर्न से लेकर फर्स्ट ईयर तक के सभी बच्चे उपस्थित हैं यहाँ पे। हर साल इसी तरह मनाते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी थी कि सबसे पहले भजन कंपटीशन हुआ, पोस्टर बनाए कृष्ण भगवान के, उसके बाद में हवन और अभी इसके बाद में मटकी फोड़ कार्यक्रम होगा। नाम? मेरा नाम नमन पोरवाल, वाइस प्रिफेक्ट हॉस्टल का। कितने दिन की तैयारी, क्या कैसा हुआ? ये सभी छात्र छात्राओं द्वारा अपना जन्माष्टमी का पवन पर्व मनाया जा रहा है। तो लगभग पिछले एक हफ्ते से इसकी तैयारियां चल रही थी, जिसके लिए अधिष्ठाता महोदय द्वारा इसके लिए बजट भी उपलब्ध कराया गया था। तो बच्चों ने इसके अंदर अपना हवन पूजा के साथ साथ कृष्ण भगवान से संबंधित कुछ चित्र प्रतियोगिता और मटकी पे कुछ भगवान श्री कृष्ण के चित्र, मटकी फोड़ प्रतियोगिता, भजन का भी आयोजन इस पवन पर्व किया जा रहा है। मटकी फोड़ की प्रतियोगिता इस हवन के जस्ट बाद हम करेंगे। शुभ नाम डॉक्टर आदेश पाटीदार, वार्डन यूजी वॉयस हॉस्टल पीटीए चौराहा।